जान के सिकंदर हैं। उनके हुनरमंद हाथों ने हॉलीवुड की कई महान फिल्मों में चार चांद लगा दिए। उनकी अनोखी कला की धुन हॉलीवुड में मची हुई है, लेकिन वो इस देश के एक छोटे से शहर में गुमनामी की चादर में सिमटे हुए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रुड़की के रसूल परिवार के अनोखे हुनर की अनोखी कहानी। ये अनोखा हुनर है किसी भी सदी के किसी भी कॉस्ट्यूम या हथियार की हूबहू नकल यानी रेप्लिका बनाने का। इस हेलमेट को देखिए और अब हेलमेट के भीतर छिपे इस रोमन लड़ाके को। ये हॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इतिहास को दोबारा पर्दे पर जिंदा कर दिया। एक एक लोकेशन, एक एक कॉस्ट्यूम और हर शॉट इस तरह से लिया गया है कि आप बोल उठे कि ये तो सिर्फ हॉलीवुड में ही मुमकिन है। लेकिन हॉलीवुड की इन बेहतरीन फिल्मों के शानदार कॉस्ट्यूम्स में एक टैग लगा है, मेड इन इंडिया का टैग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हॉलीवुड में बनने वाली ज्यादातर पीरियड फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम और हथियार भारत में ही बनते हैं। कोलोसम की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता ग्लेडिएटर, बदन पर आर्मर यूनिफॉर्म, हाथ में 7 किलो की तलवार और सिर पर ग्लेडिएटर हेलमेट। यहीं से शुरू होता है हॉलीवुड का उत्तराखंड के छोटे से शहर रुड़की से रिश्ता। इस जगह पर तैयार किए जाते हैं वो तमाम हथियार जिन्हें हॉलीवुड की फिल्मों में ग्रीको रोमन लड़ाके इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर जीत चुकी फिल्म के सभी लड़ाकों के हथियार रुड़की की इसी फैक्ट्री में तैयार किए गए। उन लोगों की ड्राइंग्स आती हैं, एक्चुअली म्यूजियम्स हैं ब्रिटिश और उन सब जगह पे, म्यूजियम जितने भी है तो वहाँ ये सब अप्लाई होती है टोटल। तो म्यूजियम से वो देखते हैं, पुराने जितना भी टाइम के हिसाब से वो बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन हमको भेजते हैं, इवन साइजेस लगा के उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं टोटल हैंडमेड। जैसे फोर्ज्ड, ये फोर्ज्ड है तो हाथ से जिस तरह भट्टी लगा के उसको किया जाता है वो सब बनाते हैं। इन हथियारों की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी इन्हें देखकर इनके सैकड़ों साल पुराना होने का धोखा खा सकता है और यही है उत्तराखंड में रुड़की के इन कारीगरों की ताकत। अब पूरा हॉलीवुड इनकी कला का दीवाना है। प्रभंजन वर्मा, रुड़की, IBN 7। रसूल परिवार की एक बड़ी ही दिलचस्प खासियत है। रसूल परिवार पुराने जमाने के कॉस्ट्यूम और हथियार बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता। सारे काम को हाथों से ही अंजाम दिया जाता है, यहाँ तक कि वजन में भी कोई समझौता नहीं किया जाता। हमारे संवाददाता प्रभंजन वर्मा ने एक ग्रीको रोमन लड़ाके की 50 किलो वजनी ड्रेस पहनने की कोशिश की, कैसे रहे उनके अनुभव आइए देखते हैं। पुराने जमाने के इन हथियारों और जरा बख्तर को बनाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इन्हें पहनना तो आज के जमाने के लोगों के लिए और भी मुश्किल साबित हो सकता है। ग्रीको रोमन हो या भारतीय लड़ाके, कोई भी इन भारी भरकम पोशाकों को पहने बिना लड़ाई के मैदान में नहीं जाता था। आखिर ये धारदार हथियार और सुरक्षा कवच ही जान लेने या जान बचाने में काम आते थे। आपको ये जानकर अचरज होगा कि ऊपर से नीचे तक हथियारों और सुरक्षा कवच से ढके हुए लड़ाके को 50 से 60 किलो तक का वजन ढोना होता था। इतने वजन के बावजूद लड़ाई में कुछ काम आती थी तो सिर्फ चुस्ती फुर्ती और युद्ध कौशल। मेरी हालत को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ग्रीको रोमन लड़ाकों की ये पोशाक पहनना इतना आसान भी नहीं है। इस पूरे पोशाक का वजन 50 किलो तक होता है। न जाने उस जमाने में लोग कैसे लड़ाई करते होंगे, लेकिन रसूल परिवार की माने तो हॉलीवुड वाले भी वजन को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करते। उनके ट्रेंड आर्मर्स रुड़की तक आते हैं, इन पोशाकों को पहनते हैं, परखते हैं और उसके बाद ही इनका इस्तेमाल फिल्मों में होता है। आई
IVN7 के रिपोर्टर प्रभंजन वर्मा की हालत देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन मध्यकालीन कॉस्ट्यूम्स और हथियारों को उठाना आसान नहीं है। सुरक्षा कवच पहनकर चलना या हथियार चलाना तो दूर की बात है, मगर सवाल ये है कि आखिर रुड़की के रसूल परिवार की इस कला में ऐसा क्या है कि पूरा हॉलीवुड उनका दीवाना है। इस राज को भी हमने जानने की कोशिश की, पंकज शर्मा के साथ प्रभंजन वर्मा, रुड़की, IVN7। और ब्रिटिश राज में अंग्रेज गर्मी से बचने के लिए एक खास किस्म की गोल हैट पहनते थे। आपको ये जानकर अचरज होगा कि ये हैट भी रसूल परिवार की ही देन है। गोरे साहब के खानसामे से लेकर हॉलीवुड की पीरियड फिल्मों के लिए हथियार और कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाले के रूप में रसूल परिवार का सफरनामा काफी दिलचस्प है। इस सफरनामे में समाया है 150 साल का इतिहास। ठंडी जगहों में रहने के आदि अंग्रेजों के लिए भारत की गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल होता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए साजिद रसूल के दादा गुलाम साबिर ने एक हैट बनाई। इस हैट में तालाब के किनारे उगने वाले सरकंडे और चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम पड़ा पिथ हेलमेट। जल्द ही ये टोपी अंग्रेजों के बीच फैशन का प्रतीक बन गई, यहाँ तक कि ये हैट तो प्रिंसेस डायना की पहचान ही बन गई थी। वक्त के साथ साथ रुड़की हैट्स के नाम जरूर बदलते रहे, लेकिन इनकी पहचान कायम रही। जब पहली बार प्रिंसेस डायना ने इस रुड़की हैट को पहना तो उसके बाद से यह हैट उनकी पहचान बन गई। आज भी इंग्लैंड में इस हैट को डायना हैट के नाम से जाना जाता है। अब यह सिलसिला हॉलीवुड तक छा चुका है। शुरुआत में जब रसूल भाइयों ने अमेरिका के लिए सामान भेजना शुरू किया तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बनाए सामान का मशहूर फिल्मों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 1996 में जब उन्हें ऑस्कर विजेता फिल्म ग्लैडिएटर के लिए सीधे कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिला तो फिर उन्हें दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 150 साल पहले जब रसूल परिवार ने पिथ हेलमेट बनाने का काम शुरू किया था तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी ये कला हॉलीवुड पर राज करेगी। आज सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां भी पीरियड फिल्में बनती हैं वहां आर्मर कॉस्ट्यूम रुड़की से ही सप्लाई होती है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ प्रभंजन वर्मा, रुड़की, IVN7। तो चलिए इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इन हथियारों की मजबूती। देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सिकंदर की वापसी। हम आपको दिखा रहे हैं अपने हुनर में उस्ताद सिकंदरों की कहानी। हमने आपको दिखाया रुड़की में बनते हैं हॉलीवुड के पीरियड फिल्मों के हथियार। ये आज भी उतने मजबूत बनाए जाते हैं जितने पुराने जमाने में रहे होंगे। IVN7 संवाददाता प्रभंजन वर्मा ने इनकी मजबूती का भी जायजा लिया। ऐसे ही रोमन आर्मर हेलमेट्स को पहनकर सिकंदर महान विश्व विजय को निकला था। और ये है ग्लैडिएटर हेलमेट। इसे पहनकर मध्यकालीन रोम में गुलामों के बीच मरने मारने का खेल खेला जाता था। ये हेलमेट बड़े से बड़ा वार झेल सकता है। सिर पर चाहे तलवार गिरे या हथौड़ा, इन हेलमेट्स को पहनने वाले का बाल भी बाका नहीं होता था। रुड़की के रसूल परिवार का दावा है कि वो आज भी उतने ही मजबूत रेप्लिकास बनाते हैं। IVN7 संवाददाता प्रभंजन वर्मा ने उनके दावे को जांच कर देखा और हैरान रह गए। ये मध्यकालीन हेलमेट रेप्लिका जरूर है, लेकिन होती उतनी ही मजबूत है जितनी जरूरत हो। सईद भाई,
क्या हम इसको चेक कर सकते हैं कितनी मजबूत है? हाँ, हाँ, और क्या ये पूरा भार सहन कर लेगी अगर मैं तलवार इस पे मारूं तो? हाँ, पूरे स्टॉक के साथ आप मार सकते हैं, मैं खुद अपने हाथ में ट्राई करता हूँ। आप रिस्क लेंगे? साजिद भाई रिस्क लेने को तैयार हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं आखिर ये हेलमेट जो कई फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों में पहना गया है कितनी मजबूत है। पूरी ताकत के साथ अगर इस हेलमेट पर वार किया जाए फिर भी आपको कुछ नहीं होता, यही है इस पूरे आर्ट का नमूना। कितनी भी कोशिश की जाए इस पे कोई भी किसी भी तरह के खरोंच तक नहीं आता, और मध्यकालीन समय में जिस तरह के हेलमेट इस्तेमाल किए जाते थे ये उसका जीता जागता रेप्लिका है। अब एक बार मैं भी कोशिश करता हूँ ये हेलमेट या किसी और तरह के हेलमेट को पहन के, एक मैं भी कोशिश करूँगा कि क्या सचमुच ये चोट बिल्कुल नहीं लगती है या साजिद भाई शायद अपनी कला को छुपा रहे हैं। पूरी जोर से साजिद भाई ने वार किया लेकिन यकीन मानिए बाल भी बांका नहीं होगा अगर आप इस हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। यही है रुड़की की कला। पंकज शर्मा के साथ प्रभंजन वर्मा, रुड़की, आईबीएन 7। और रसूल परिवार ने हॉलीवुड भी कैसे रंग जमाया, क्यों हॉलीवुड रुड़की के रसूल परिवार की कला का दीवाना है, ये भी जानने की कोशिश की आईबीएन 7 संवाददाता प्रभंजन वर्मा ने। ये हथियार नए न लगकर पुराने जमाने के लगते हैं, ऐसा कैसे संभव हो पाता है? रसूल परिवार के मुताबिक इन हथियारों को बनाने के लिए आज भी पुराने जमाने के तरीके अपनाए जाते हैं। हर हथियार को हाथ से बनाया जाता है इसलिए इन्हें बनाने में वक्त भी काफी लगता है। रसूल परिवार के मुताबिक जब ग्लैडिएटर फिल्म के लिए सामान बनाने का ऑर्डर उनके पास आया तो उनके होश उड़ गए। निर्माता को महीने भर के भीतर 100 हेलमेट और तलवारें चाहिए थे। हाथ का काम होने की वजह से एक हेलमेट को बनाने में कम से कम 3 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन रसूल परिवार की मेहनत रंग लाई और उनके काम की जोरदार तारीफ हुई। सबसे पहले तो हम लोगों को जो ग्लेडिएटर मूवीज थी उसकी डिमांड आई, उसमें हम लोगों को काफ़ी मुश्किलें सामने आई क्योंकि उसका जो हेलमेट या ड्राइंग थी एकदम हमारी एकदम डिफरेंट थी, जिसको बनाने में बहुत मुश्किलें आई। डाइयों का भी इस्तेमाल किया गया और जितनी आधुनिक तकनीक है उनको हमने मिक्स करके उसको बनाया गया, नेचुरल दिखे, वो हैंडमेड हो और बिल्कुल ये महसूस ना हो कि आज के ज़माने में बनी हुई चीज़ पहले ज़माने की कैसे दिखेगी, तो वो थोड़ा सा उसमें काफ़ी मुश्किलें सामने आती है। दरअसल रसूल परिवार से काम शुरू करवाने वाले थे सतीश चंद्र भट्टी। अमेरिका में बसे भट्टी ने 1966 में एंटीक आइटमों की सप्लाई का काम शुरू किया तो पहला मुकाबला स्पेन से हुआ। उस वक्त हॉलीवुड के लिए ज्यादातर सामान स्पेन के शहर टॉर्लिडो में बनता था, लेकिन भट्टी को मालूम था कि भारत में होने वाले हाथ के काम और सस्ते दाम का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के जो साजिद और ये सब डेवलप कर रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि पहले उनको ज़रा प्रॉब्लम्स थे, वो यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हो गई हैं अब उससे दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। रुड़की का रसूल परिवार अब तक 20 से भी ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम और हथियार सप्लाई कर चुका है। इसमें एलेक्जेंडर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और 300 जैसी फिल्में शामिल हैं। ये सामान जहां क्वालिटी में दुनिया में कहीं भी बनने वाले एंटीक आइटमों से कम नहीं है, वहीं इनके दाम दूसरों के मुकाबले काफी कम है। प्रभंजन वर्मा, रुड़की, आईबीएन 7। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे बॉलीवुड में भी है रुड़की की कला के कद्रदान।
हमारी खास पेशकश सिकंदर की वापसी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हॉलीवुड में पहचान बनने के बाद रुड़की की इस कला की बॉलीवुड में भी कद्र होने लगी है। सुष्मिता सेन की आने वाली फिल्म झांसी की रानी के लिए भी रुड़की से ही सारा सामान बनाया जा रहा है। भारत में बनी फिल्मों और सीरियल्स में आर्मर कॉस्ट्यूम्स के लिए भारी भरकम साजो सामान का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी बड़ी वजह है हाथ से बने धातु के सामान की ज्यादा कीमत। लेकिन अब बॉलीवुड में भी धीरे धीरे इसका चलन बढ़ने लगा है। रसूल परिवार के मुताबिक मंगल पांडे, एकलव्य, देवदास और लगान जैसी फिल्मों में उनके कुछ सामान जरूर इस्तेमाल किए गए। आने वाली फिल्म झांसी की रानी के लिए सभी कॉस्ट्यूम और हथियार रसूल परिवार ही बना रहा है। बॉलीवुड में भी स्टार्टिंग हो गई है, हम लोगों की काफी रिस्पॉन्स मिलता है। एक एक शॉर्ट्स है, एक हेलमेट है या शील्ड्स है, डिमांड आती रहती है। एडवर्टाइज कंपनी में भी जाते रहते हैं कुछ पीसेस। रुड़की कला का बाजार सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। रसूल परिवार के बनाए हुए मध्यकालीन कॉस्ट्यूम और हथियारों की विदेश में भी काफी मांग है। विदेशों में रुड़की के बने आर्मर कॉस्ट्यूम्स म्यूजियम्स की शान है, लेकिन म्यूजियम्स के अलावा भी इन कॉस्ट्यूम्स की काफी मांग है। पीरियड कॉन्सेप्ट्स पर बनने वाले कंप्यूटर गेम्स, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और आज भी खेले जाने वाली मध्यकालीन खेलों में इन कॉस्ट्यूम्स का जमकर इस्तेमाल होता है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ प्रभंजन वर्मा, रुड़की, IBN 7।